हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी के लिए जैसे मैंने संज्ञा की ट्रिक बताई थी, उसी हिसाब से हम सर्वनाम की ट्रिक समझने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का प्रकार, ये सारी चीजें हम यहां पर ट्रिक से समझने वाले हैं। ठीक है, सोचिए सर्वनाम हिंदी में क्यों आया, मतलब क्यों, किस वजह से आया ये, आखिर हम सर्वनाम क्यों रखते हैं व्याकरण में, क्योंकि हमें संज्ञा का प्रयोग बार बार ना करना पड़े। ठीक है, संज्ञा के प्रयोग से बचने के लिए या संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हमने सर्वनाम को चुना कि हम बार बार किसी का नाम डालें, जैसे राम यहां पर गया, फिर राम वहां पर गया, फिर राम ने ये किया, फिर राम ने वो किया, ये सारी चीजें इग्नोर कर दूं। ठीक है, तो बाद में क्या बचेगा, संज्ञा के स्थान पर जो हम चीज उसके लिए करेंगे वो सर्व। तो चलिए, संज्ञा का प्रयोग बार बार आपको ना करना पड़े, तो हमने संज्ञा के स्थान पर क्या इस्तेमाल करना सीखा, सर्वनाम। ठीक है, तो यानी अब इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, है ना। सर्वनाम अंग्रेजी में नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो, हमें बार बार किसी संज्ञा का नाम ना लेना पड़े, बार बार किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, उन चीजों का नाम ना लेना पड़े, उन्हें उनके नाम से संबोधित ना करना पड़े, जिसकी वजह से हमने क्या किया, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को चुना। अब देखिए, सर्वनामों की संख्या कितनी है हिंदी में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये 11 संख्या याद कर ली तो कहीं ना कहीं आप सर्वनाम कंप्लीटली तैयार कर लोगे, और लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप चीजों को समझ सकते हो। तो देखो, मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, मतलब ये 11 जो है सर्वनाम है। सोचिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं इन चीजों की, तो प्रकार यानी सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, टोटल जो है हम देखें तो 6 प्रकार यहां पर नजर आते हैं। देखिए, 6 प्रकारों की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके सामने होगा पुरुषवाचक पहला सर्वनाम। क्या है पुरुषवाचक, इसमें क्या आता है, जैसे मैं, तू, वह, हम, मैंने। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक आप पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस ट्रिक को आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, देखो ट्रिक ये, मैं फर्स्ट, तू सेकंड, बाकी सब थर्ड, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, यानी अगर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में फर्क नहीं समझ में आता, तो कैसे आप इस डिफरेंस को समझेंगे, तो ये ट्रिक देख लीजिए आप लोग। मैं फर्स्ट, तू सेकंड, बाकी सब थर्ड, यानी मैं जो है, अब मैं के अंतर्गत मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, ठीक है, या हम, हमें, हमारा, हमको, हमसे, ये सब क्या है, ये सब है फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे मध्यम पुरुष, और ये है आपका अन्य। तो यहां पर अगर हम बात करें तो तू जो है वो सेकंड है। तू में क्या है, देखिए, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपके, आपसे। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें यहां पर, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपसे, ये मध्यम पुरुष है, और बाकी सारे अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अगर हम बात करें, मैं हूं फर्स्ट, तू है सेकंड, बाकी सब थर्ड, तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं इसे, पुरुषवाचक सर्वनाम।
ठीक है, मैं तू वह मैं, निजवाचक में क्या है आप, निश्चयवाचक में या वह, अनिश्चयवाचक में कोई है कुछ है, संबंधवाचक में जो है सो है, प्रश्नवाचक में कौन है और क्या है। तो टोटल ये 6 सर्वनाम हैं जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर एकदम क्लियर। इतना समझ में आ गया अगर आप 6 सर्वनाम का नाम और इनकी ये परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो देखने लायक चीज होगी वो ये होगी, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह और वह, जैसे मैं अगर कहूं कि यह पुस्तक है, ठीक है, यह पुस्तक है, मतलब ये निकटवर्ती वस्तु को दर्शा रहा है कि ये जो है पास में जो है, और वो जो है वो दूरवर्ती वस्तु को दर्शा रहे, यानी थोड़ा सा दूरी पर है। वह, यह है ना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में क्या है, कुछ कोई किसी। अब मैं कहूं कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, है ना, तो वहां पर क्या होगा, कुछ जो है ये निश्चित नहीं है कितने बच्चे थे, कुछ बच्चे थे है ना, कुछ केले थे, कोई वहां था, है ना। अब मैं ये नहीं जानता निश्चित नहीं है कि वहां पे राम था, वहां पे कोई था या किसी, किसी का बैग होगा, किसी का ये पेन है, किसी की क्लास चल रही है। ये कॉमन फैक्टर को समझिए कि अनिश्चयवाचक में जो सब्जेक्ट होता है आपका वो अनिश्चित होता है, मतलब उसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं रहती, ना उसकी क्लियर संख्या के बारे में जानकारी रहती है, ना उसकी क्लियर प्रेजेंस के बारे में जानकारी रहती है। ये सारी चीजें अनिश्चित रहती है, जिसकी वजह से हम इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। अगला आता है संबंधवाचक। जैसे जो सो, अगर मैं कहूं जो बोएगा सो काटेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह संबंधवाचक है ना, कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जो बोया है वही काटेगा। तो जो का वो से संबंध आया, संबंधवाचक सर्वनाम में रखेंगे इसे। फिर प्रश्नवाचक, ये काफी पॉपुलर है, प्रश्नवाचक सबसे ज्यादा फेमस। अगर मैं बात करूं पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद, अगर कोई चीज है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से जो आती है वो यही है, क्यों कब कौन कैसे कहाँ क्यों। इस सर्वनाम में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क होता है, देखिए सबके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना। जैसे मैं कहूं कि क्यों कर रहे हो ये, कौन था वहां, है ना। अब वो जो व्यक्ति है संज्ञा क्लियर नहीं है, हम बस पूछ रहे हैं कौन था वहां, कैसे, है ना, कहां, यानी स्थान भी क्लियर नहीं है, क्यों कारण भी क्लियर नहीं है। तो चीजें क्या है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो वहां पर आप जो है रखोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी विशेषता यही है कि बस भाई ये सारे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि क्यों कौन सा सर्वनाम है, है ना, कौन सा सर्वनाम है, तो यहां पर क्यों के लिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाएंगे, प्रश्नवाचक, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। फिर एक होता है निजवाचक, जो कि सबसे लास्ट है आई थिंक, सबसे अंतिम में निजवाचक, स्वयं स्वतः खुद अपने आप। अब सोचिए कि संबंधवाचक और निजवाचक में क्या डिफरेंस है। ये कहता है कि स्वयं स्वतः खुद अपने आप, है ना, अपना काम स्वयं करो। अब मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपना काम तुम करो, मैं ये कह रहा हूं कि अपना काम स्वयं करो भाई, खुद से करो, है ना। यहां पे तुम छिपा हुआ है, या जो भी जिसको मैं कह रहा हूं उसके जगह पे मैंने कह दिया कि भाई तुम स्वयं करो। स्वयं को मतलब तुम स्वयं करो, जैसे रानी, रानी तुम खाना बना रही हो, रानी ने मुझसे कहा कि सर खाना बना दीजिए, तो रानी नहीं, रानी तुम खाना स्वयं बनाओ। तो अभी रानी तुम खाना स्वयं बनाओ में ये जो स्वयं है ये रानी के लिए है, है ना, रानी स्वयं बना लो अभी, तो स्वतः अपने आप कर लो, खुद से कर लो। तो चीजें क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है, या ये मेरा खुद का घर है,
है ना। तो चीजें इस तरह से जो है सर्वनाम में क्लियर होती हैं। अब इसकी परिभाषा पे जाओगे, इसके उस पर जाओगे, तो सर्वनाम में बस आपको जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो यही है, ये वाला, इनका टाइप्स और इसका प्रकार। अगर आपने ये याद कर लिया तो काफी हद तक सर्वनाम जो है आपका, जैसे पुरुषवाचक में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं फर्स्ट, तू सेकंड और बाकी सब थर्ड, बाकी सब को थर्ड समझ लो, ठीक है, बाकी सब थर्ड। ये ट्रिक आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में हेल्प करेगी। पहली चीज तो निजवाचक में आप हैं, निश्चयवाचक में ये वो, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, संबंधवाचक जो सो, और प्रश्नवाचक में कौन क्या। अब गला खराब है यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपका कम क्लियर हुआ हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं ऊपर ऊपर से चीजें समझ लो, जैसे ये वाली ट्रिक समझ लो, कभी भी पुरुषवाचक सर्वनाम गलत नहीं होगा। और निश्चयवाचक में ये बताता है ना, यह जो है वो निकटवर्ती वस्तु के लिए, वह जो है वो दूरवर्ती वस्तु के लिए, एक संदेश देता है आपको, एक मैसेज देता है कि नहीं भाई ये निश्चित है, ये यही है ना, ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, यानी निकटवर्ती ही कोई नीम का पेड़ है, निश्चित है ये बात। तो इस तरह से आप चीजें जो है क्लियर कर सकते हो। निजवाचक सर्वनाम, निजत्व का बोध होता हो, ठीक है, यहां पर देखिए निजवाचक सर्वनाम, जहां पर निजत्व का बोध होता हो, ठीक है, तीनों पुरुष में, उत्तम में, मध्यम में और अन्य पुरुष में, जैसे मैं खुद लिख लूंगा, है ना, मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना, वो गाड़ी स्वयं चला सकती है ना। तो जैसे मैंने चीजें आपको फॉर एग्जाम्पल बताया, तो ये निजवाचक सर्वनाम, वो गाड़ी स्वयं चला सकती है, मैं खुद लिख लूंगा, है ना, और तुम अपने आप चले जाना घर, और इस तरह से खुद, अपने आप और स्वयं, ये सारे निजवाचक सर्वनाम है। अब आपको अगर संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक तो समझ में आ गया होगा, पुरुषवाचक समझ में आ गया होगा, इनमें से कौन सा ऐसा सर्वनाम है जो आपको अभी नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट करके बताइए, और तबीयत जैसे ठीक होती है तो मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। कम्युनिकेशन थोड़ा सा डाउन होता है जब आपका गला खराब हो, यू कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स नेचुरल, अब इस पर क्या किया जा सकता है, समय के साथ चीजें सही होंगी। वेरी सून यू विल गेट द फाइन क्लासेस, एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।